देखो जी, ऐसी हमेशा ही कहने जे किसी ने सजावा पूरिया करनी है उन्हां ते जिहड़ी कानूनी बंदी कार्रवाई के तहत उन्होंने रिहा कर देना चाहिए। लॉ ऑफ लैंड है जी। असी इस गल दे विच कि कानूनी जिहड़े जिहड़ा विद्वान ने जां साडे हाई कोर्ट ने मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने फैसले उन्होंने लेने, पर सानू इस गल दा असी किसी की रिहाई ते ये नहीं कह रहे भी किसी नूं रिहा ना किया जाए। जिन्हां दी सजा पूरियां हो गईयां ते लॉ ऑफ लैंड जिन्हां दे ठीक है उन्हां ते हो जाना चाहिए। जो भी तरनतारन दे विच इक जिहड़ा पिंड ते चर्च ते अटैक होया जी, और उस तों पहलां वी लगातार इह विवाद चल रहा धर्म प्रोटेस्ट, तुसीं इहनूं थोड़ा जिहा गंभीर नज़र मारो। काली माता दे मंदर ते अतवाद दे समय इस तरह दीयां घटनावां नहीं वापरियां सन अतवाद दे समय, और अज चर्च ते इहो जिहियां घटनावां देश दे अंदर चाहे उदयपुर दी घटना सी चाहे इह घटनावां है, ये जान बुझ के इस देश नूं तोड़न दी राजनीति हो रही है, आपस विच वंडन दी राजनीति हो रही है। इहदे विच मैनूं लगदा कि सत्ताधारी जिहड़े लोग ने ताकत च लोग ने जिन्होंने कख नहीं किया, मैं नहीं कह रहा दिल्ली वाले इतों वाले जिन्होंने कख नहीं किया, उन्होंने इहो जिहियां गल्लां करके मेरे पंजाब दे लोगों नूं आपस विच भड़काउण दी कोशिश कीती जा रही है। मैं दोनों की गल कर रहा और देश के अंदर यही हिंदू मुसलमान की राजनीति, गुरुद्वारा मंदिर और मस्जिद की राजनीति, शमशान घाट और कब्रिस्तान की राजनीति, इन्हों तो देश वासियों नूं बचन की लोड़ है, पंजाब वासियों नूं बचन की लोड़ है। इहो जे लोग जिहड़े इहो जे काम करदे जो तरन तारण की घटना है, इन्हों का कोई मजहब नहीं हुंदा, इन्हों का कोई धर्म नहीं हुंदा, ਇਹ ਪੇਡ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨ